दोस्तों, आज तक आपने लंच बॉक्स कई तरीके के देखे होंगे और आपने ये भी सुना होगा कुछ खाया पिया है या नहीं। बिल्कुल ये लाइन इसी टिफिन से शुरू होती है। ये है आज का लंच बॉक्स और ये है 100 साल पुराना लंच बॉक्स। क्या आपने कभी सोचा है पुराने समय में कई धातुओं के इस प्रकार के लंच बॉक्स हुआ करते थे जिन्हें हमारे पूर्वज यूज किया करते थे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं मास्टर विजेंद्र सिंह जी इशार से। अब जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ जी, पहले ये ट्रेवलिंग टिफिन है। ट्रेवलिंग टिफिन है जी। हाँ, जब घूमने फिरने जाते थे ना जी, तो इसमें सारे देखो सारी चीज मिलेगी आपको। अच्छा। हाँ, ये ऊपर आपने लस्सी या फिर पानी रखने के लिए, ये आपके ऊपर है टिफिन। अच्छा, लोटा है सर इसके ऊपर। हाँ, ये लोटा। और ये पूरा यहाँ से अटैच है, पूरा फिट हो जाता है सर। अच्छा, गजब गजब। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पर चम्मच भी है। चम्मच भी है। अच्छा। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, जब हम इसको लोटे को खोलते हैं तो इसके अंदर आपको गिलास भी देखने को मिलता है। ओ हो, गजब गजब। ये देखिए दोस्तों, ये गिलास। हाँ, लोटे के अंदर गिलास हो गया। ये गिलास, ये इसका ढक्कन हो गया और ये इसके ऊपर वाला ढक्कन। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। और यहाँ से शुरू होता है अपना टिफिन। ये टिफिन मैं देखो, पहले तो पहले वाले टिफिन इस तरह के होते थे। यहाँ चूड़ी लगी हुई है, खोले तो खोल के ये हमारी चम्मच होगी जी। अब इसको हमने खोला यूं। अच्छा अच्छा, ये इसके अंदर निकल गई हमारी प्लेट। प्लेट, ओहो हो, इसके अंदर इनबिल्ट है प्लेट। अच्छा। आपने गिलास भी देखा और प्लेट भी देख रही है। हाँ, तो ये इसका एक भाग होगा। दोस्तों, आज के समय में हम सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार के भी टिफिन हुआ करते थे। हाँ, यहाँ पर तो कहने का भाव क्या है, इसमें आराम से 3 लोग आराम से खाना खा सकते। अच्छा अच्छा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है सर, देखिए 8 छुपी हुई है हर टिफिन में। आपको पुराने टिफिन में 8 देखने को मिलेगी जी। पुराने हर बर्तन में आपको 8 देखने को मिलेगी। अच्छा अच्छा। और ये सब आज से की हुई है सर, मशीन से नहीं। सर कितने पुराने होंगे लमसम ये टिफिन? ये कम से कम 70 साल पुराना है सर। 70 साल पुराने। और इससे भी पुराना ये है सर। ओहो, ये वाला देखिए, ये देखिए, ये कॉपर का टिफिन है। कॉपर का? हाँ जी। उसमें तो आपने देखो ये देखा था, मतलब ये इसके अंदर खाना, इसके अंदर पीना। हाँ। ये खाना पीना पूरा टिफिन हो गया। इसकी ये खासियत है सर, ये कॉपर का है। और हाँ। इसके अंदर आप अचार या मिर्ची भी रख सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर छोटा इनबिल्ट है जी जी। और इसका ढक्कन भी है सर, बड़ा गजब का है। ये ढक्कन है। हाँ हाँ। और ये देखिए सर, सबसे बड़ी चीज है कि इनके अंदर भी सब में कलाकारी की हुई है। गजब गजब गजब। हाँ। बड़ा शानदार है सर। कोपर में बना हुआ सर, कोपर में। ये कम से कम 80 और 90 साल पुराना। सर इसका लॉक सिस्टम किस प्रकार का हुआ करता है सर? जैसे टाइट हो जाता है ये। अच्छा, ये देखिए सर, वेट भी काफी अच्छा है इसके अंदर। कोपर में है ना? हाँ हाँ, कोपर में है तो वेट तो डेफिनेटली इसमें। अच्छा, पूरा मतलब दोस्तों ये इसका लॉक सिस्टम है। ये थोड़ा नीचे दबा के नीचे खिसकता है और इसकी साइड में ये जो हुक बने हुए हैं इसके अंदर ये वापस इस प्रकार से अटैच हो जाता है। ये इसका वर्जन होता है। और इन्हीं के एक छोटा वर्जन भी मेरे पास है सर। ये बड़ा कमाल का है सर। ये दुनिया का सबसे छोटा टिफिन है सर। और वर्किंग कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन मतलब जैसे आप उनको, इसके आटे उटे लूज वगैरह कुछ भी नहीं है। ये सर ये किस तरीके से हुआ करता था, मतलब एक मॉडल या खिलौने? मॉडल भी बोल सकते हैं या फिर हो सकता है भाई उन लोगों ने लड्डू गोपाल के लिए बनाया। अच्छा, ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी काफी पुराना है, इन्हीं के साथ का है। हाँ हाँ हाँ। और सर उसके बाद धीरे धीरे हम इन टिफिन से गुजरते हुए यहाँ पर आ गए सर। ये सर एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का, क्योंकि धातुएं महंगी होती गई। शुरू में कॉपर के बनते थे, फिर ब्रास के बने, ठीक है, फिर धीरे धीरे एल्यूमिनियम के बने, अब स्टील के आए हुए थे पीछे कुछ टाइम पहले जी। लेकिन अब तो आपके रबड़ के आगे प्लास्टिक के आगे। तो कहने का भाव क्या है, धातुओं के रेट बढ़ते गए हैं। हाँ। और फिर देखो प्लास्टिक और प्लास्टिक पे आ गए, प्लास्टिक में आए जी। तो कहने का भाव क्या है, इनमें जो खाना रखते थे ना। हाँ। तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता था। कोई भी बीमार नहीं होता था। अब तो हर बच्चा भी बीमार है जी। सर इसके बाद सर ये बताइए सर, ये बड़ी एंटिक चीज है सर। हाँ, ये देखिए सर, इसकी भी खासियत है, इसका लोग लगता है इससे। अच्छा, वो चम्मच आपने साइड में देखी थी, लेकिन ये ऊपर से लोग लगती।
अच्छा, ये इसका लोक है। हाँ जी। और दोस्तों इतना ही नहीं, इन टिफिन के अलावा भी सर ने कई सारी एंटीक और नायाब चीजों का कलेक्शन कर रखा है, जो आप यहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। हरियाणा के हिसार में सर से आप आकर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। मेरा नंबर है 720-684-1898। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी नायाब चीजें सहेजने के लिए और हमको दिखाने के लिए, हमारे थ्रू हमारी ऑडियंस को दिखाने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।